हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डी बॉय दीक्षित और आप देख रहे हैं डी बॉय दीक्षित फिल्म। तो आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम पे थ्री लेयर की वीडियोस आप कैसे बनाएं। थ्री लेयर का मतलब है कि जिसमें कि एक ही में तीन क्लिप एक साथ कैसे चलती है। जैसे कि देखते होंगे आप, एक आजकल क्रिएटिव रील जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक ऊपर की ओर, एक बीच में, एक नीचे की ओर, तीन तीन क्लिप एक साथ चल रही है। और कुछ लोग इसका अपनी म्यूज़िक वीडियो को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग मतलब अपनी क्रिएटिविटी को एकदम अलग तरीके से दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यार, आपको भी ऐसी वीडियो बना के वायरल होना है तो यार सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले डी बॉय दीक्षित फिल्म को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो डी बॉय दीक्षित नाम से। वैसे इतना करना ज़रूरी है क्योंकि यार मेहनत की है थोड़ी बहुत आपको सिखाने के लिए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और डाउनलोड से सबसे, हाँ, स्क्रीन पे जाने से पहले भाई साहब अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए वी एन एप्लीकेशन। वी एन एप्लीकेशन के थ्रू आप एक नंबर की वीडियो आप बना सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम लोग वी एन एप्लीकेशन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। नीचे वाले प्लस आइकन पे हम लोग क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, अब हम लोग ऊपर फोटो वाला सेक्शन जो, उस पर क्लिक करेंगे और एक ब्लैक जो है पीएनजी हम लोग इस पर इंसर्ट कराएंगे। तो ये ब्लैंक पीएनजी जो है इंसर्ट हो चुकी है। अब ये लास्ट में आप वाटर मार्क देख रहे हैं, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ओके, अब ये जो हमारी पीएनजी है इसको मैं 15 सेकंड का ड्यूरेशन दूंगा। 15 सेकंड की वीडियो जो है इंस्टाग्राम रील पे चलती है तो मैं इसको 15 सेकंड के बराबर कर दूंगा। ओके, अब यहाँ ऊपर टैप टू ऐड स्टिकर में हम क्लिक करके फिर वीडियो पे क्लिक करेंगे। ओके, अब हमने एक फोल्डर बना के रखा है जिसमें हमने तीनों क्लिप जो है रखी हुई हैं। तो इनमें से आप कोई भी लाइन बाय लाइन एक क्लिप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऊपर कौन सी रखनी, बीच में कौन सी रखनी, नीचे। तो हम एक क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कराएंगे और ये क्लिप हमारी इसमें आ गई है। अब इसको जो है फिट करने के, नीचे फिट टू स्क्रीन होता है एक ऑप्शन, फिट के नाम से होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन फिट हो जाएगी। अब इसको हम क्लिक करके ऊपर की ओर ले जाएंगे क्योंकि इसको हमको ऊपर वाली साइड में रखना है। ओके, ये ऐड हो गई। ओके, अब हम फिर से ऐड करने के लिए वही मेथड यूज करेंगे जहाँ पे मैंने क्लिक किया था। तो क्लिक करके वीडियो पे फिर से इंसर्ट करेंगे। अब हम दूसरी क्लिप जो बीच में रखनी है उसको हम इंसर्ट कराएंगे। ओके, इसको भी सेम उसी मेथड में फिट करेंगे और उसको अपनी जगह पे ऐड करेंगे। ओके, सेम प्रोसेस सेकंड लास्ट वाली क्लिप को भी ऐड करने के लिए करेंगे। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वीडियो को इंसर्ट करा लेंगे जाके। अब यहाँ से लास्ट वाली क्लिप ले ली मैंने, फिर वही मेथड, नीचे जाके फिट, उसके बाद नीचे की ओर इसको रख देंगे और डन। ये आपकी क्लिप जो है लाइन से लग चुकी है, पर अभी भी इसमें कुछ बाकी है। पहले इसको देख लेते हैं कि प्रीव्यू कैसा है। ओके, इसमें आप एक चीज़ मिसिंग है, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक के लिए ऊपर आप म्यूज़िक का ऑप्शन देखिए बना हुआ है, सिंबल बना, उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो म्यूज़िक ऑप्शन एक मिल जाएगा आपको सबसे पहला, और इसमें आप जाके अपनी गैलरी से जो है म्यूज़िक इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे म्यूज़िक पे, अभी देखिए ऊपर आपको स्क्रॉल करके आप पता कर सकते हो कि कहां से आपको म्यूज़िक सुनाई दे रही है। तो जहां तक कि आप रुकनी वहां तक स्क्रॉल रख लीजिए। ओके, अब नीचे वाले जो चेक बटन है उस पर आप क्लिक करके इसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम नीचे क्लिक करेंगे और डन। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट मिल चुका है, पर इसको आप निकालने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन आता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब है कि आपकी क्लिप जिस फॉर्मेट में थी, जिस एपीएस में थी, उसी पे रेंडर होगी। अगर आप चाहते हैं तो टिक कर लो, वरना कोई बात नहीं। अब हम कहते हैं कि आपको अगर अच्छी वीडियो चाहिए तो 1080 पे रख के, एपीएस आप 60 पे रख के, और बिट रेट आपको बेस्ट पे रखना है लास्ट में एकदम। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो एकदम एक नंबर की और एकदम इजी लगी होगी बनाने में, मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लग रहा होगा कि ये एकदम ही इजी है यार, हम लोग तो सोच रहे थे बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बनाना चाहेंगे वो सीख सकते हैं मेरे थ्रू। सब्सक्राइब कर लो। तो मस्त लगी ना वीडियो भैया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो,
शेयर कर लो, अरे भाई कमेंट भी कर दो कि वीडियो कैसी लगी, वायरल करने के लिए तुम्ही लोग तो हो यार, थैंक यू सो मच। तो फिर यार मस्त लगी ना वीडियो, तो चलते हैं अगली बार के लिए। टॉपिक आप कमेंट में डालिए कि आपको अगली बार का कौन सा टॉपिक चाहिए, जल्दी से जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आता हूँ और वो भी एकदम ईजी कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ यार, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, डी दीक्षित के नाम से आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अगर आप नहीं सर्च कर पाते हो। बस चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।